सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में भारतीय सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया है, उसके बाद अब भारतीय सेना और सरकार दोनों ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। लगातार गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी मीटिंग्स कर रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस तरह की खबर सामने आ रही है कि इस बार भारत सरकार पाकिस्तान को इतिहास का सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर कश्मीर का सबसे बड़ा हमला किया है और भारत के 40 जवान शहीद हुए हैं, तो इस शहादत को किसी भी तरीके से भारत की सरकार और सेना बर्बाद नहीं जाने देना चाहती। सेना चाहती है कि उनको छूट मिले ताकि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके, और प्राप्त सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को इस बार जरूर कोई बड़ा जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करती हुई नजर आ सकती है। दूसरा, वायुसेना को तैयार किया जा रहा है ताकि वो आगामी समय में हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। जल्द ही वायुसेना और भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी कहीं बेचैन हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि इस बार उससे जो गलती हुई है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्यवाही होती हुई नजर आ सकती है। भारत और पाकिस्तान से जल्द सभी रिश्ते खत्म कर सकता है। पानी और खाने पीने की चीजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।